ये कह रहे हैं कि कानपुर में 12 घंटे लाइट आ रही है, ये पूछिए इनकी सरकार ने अब तक कितने पावर प्लांट लगाए। 24 घंटे लाइट आती थी समाजवादी सरकार में, इनसे पूछिए कितने पावर प्लांट लगाए इन्होंने। मुझे लगता है ये भाई मुझे लगता है शायद कन्नौज से आए हैं, ये मैनपुरी से आए होंगे, क्योंकि 24 घंटे बिजली तो केवल मैनपुरी कन्नौज में आती थी, कानपुर में बिजली नहीं आती थी। कानपुर में तो अब 24 घंटे बिजली, पहले 4 घंटे बिजली आती थी, दिन भर में 16 घंटे बिजली कटती थी। सवाल क्या है आपका, सवाल क्या है, किससे सवाल? सवाल मेरा ये है, जो ये बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये लाएंगे कहाँ से? इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो दिन दिन भर बिजली नहीं आती थी, मुश्किल से 24 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बिजली जा रही है, लगातार बिजली मिल नहीं रही है, क्षेत्र में उद्योग बंद हो रहे हैं। मैडम, मैं मेरा नाम आशीष त्रिपाठी, मैं ब्राह्मण हूँ। सपा और कांग्रेस, ये आपका परिचय पहचान है, पूरा गांव तक पहुंच जाइएगा क्या? सवाल पूछो। सवाल उससे संबंधित है, सपा और कांग्रेस जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो ये लोग दोनों लोग ब्राह्मण 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 बोल रहे थे, लेकिन जब उम्मीदवार उतारने की बारी आई तो न सुनील शुक्ला को गोविंद नगर से दिया, न शैलेंद्र दीक्षित को दिया, दोनों में ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिया। क्या इन्होंने भाजपा को भेंट किया क्या? ये मुनीश शुक्ला हमारे पार्टी के प्रत्याशी है, मुनीश शुक्ला। ये सच्चाई है धरातल पर कि धर्म और जाति के आधार पर आपने उनको सुना? एक नागरिक है, नाम बताते हैं, जात बताते हैं, पूछते हैं, मेरे जात के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या जवाब होगा? मुझे लगता है हिंदुस्तान की यही त्रासदी है कि आज भी हम वोट देने से पहले, आज भी हम चुनाव से पहले अपना धर्म अपनी जाति की बात करते हैं, आज भी हम बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करते। मैं पूछती हूँ इन लोगों से, आटा तिगुना हो गया 8 साल में, उसका क्या कहिएगा? पेट्रोल 100 के पार है, उसका क्या कहिएगा? यहाँ पर हैकल करके मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए जनता, आपने 2 सवाल इधर से लिए, 2 सवाल इधर से लीजिएगा, लेकिन कौन बात कर रहा है? कोई गर्मी की बात कर रहा है, कोई चर्बी की बात कर रहा है? भर्ती की बात करो ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ है भर्तियाँ? कौन दे रहा है रोजगार? किसने महंगाई नियंत्रित करी? ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, इस मंच का इस्तेमाल करके मैं एक सवाल इस सम्मानित जनता से पूछूंगी जिसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। अजय मिश्र टेनी के लड़के को रिहाई मिल जाती है, अजय मिश्र टेनी बर्खास्त नहीं होता है, ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सी नैतिकता है? इसका जवाब जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। देखिए, एक बात तो पहले जाति पे कर दूं, जाति किसने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर बताई थी कि मैं दत्तात्रेय गोत्र कोल गोत्र का ब्राह्मण हूँ? ये जाति बताने का काम कौन कर रहा था? क्या राहुल गांधी ने नहीं किया? जाति बताई कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर? अजय मिश्र टेनी को, ये विकास दुबे को जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, जवाब क्यों नहीं सुनने की हिम्मत रखती है? आप सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे? विकास दुबे को, ये विकास दुबे करते रहेंगे, हम विकास विकास पर ही टिके रहेंगे, इनके लिए विकास दुबे महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात रही जमानत की, राहुल गांधी सोनिया गांधी, ये अच्छा जवाब है, वो टेनी पर जवाब पूछ रहे हैं, आप गोत्र पर आ गए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जमानत, अजय मिश्र टेनी को जमानत वोटिंग के पहले दिन। जमानत पर रिहा है राहुल गांधी भी, जमानत पर रिहा है सोनिया जी भी, जमानत तो कोर्ट देती है ना, ये क्या कोर्ट के ऊपर हो गया है क्या? इतना अभिमान है, जवाब नहीं दे सकते? अजय मिश्र टेनी पर जवाब अगर है तो दीजिए। अरे राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है। 15 लाख कहाँ है, किस बैंक में आया है? 15 लाख कहाँ है, किस बैंक में आया है? देश धर्म से चलता है। एक सेकंड प्लीज, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए प्लीज, सवाल सुनिए। देखिए कानपुर को पूरा देश देख रहा है, प्लीज। देश धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है। और कोरोना काल और लॉकडाउन को लेकर के मेरे यहाँ जितने युवा भाई बेरोजगार खड़े हैं, उसका दोषी किसको माना जाए? जातिवादिता में। नहीं, अब कोरोना को लेकर के मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं, अगर कोरोना में कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो भारी घपले घोटाले भ्रष्टाचार हो गए होते। कोरोना में वैक्सीन बनाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया, एक नहीं दो दो स्वदेशी वैक्सीन बना करके देने का काम हमने किया। वरना पोलियो का टीका कब आया, कब जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका आया, ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। क्यों नहीं इन्होंने कभी भी टीका बनाने का काम अपनी सरकारों में किया? स्वदेशी वैक्सीन हमने बनाई और ये भाजपा ही वैक्सीन बता रहे थे, ये तो भाजपा ही वैक्सीन बता रहे। कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से जाने गई
गंगा जी में लाशें बही, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा कि लाइन लगा कर ऑक्सीजन लेने के लिए जब रात भर लोग खड़े रहते थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, रात भर खड़े हो रहने के बाद उनका पेशेंट घर में दम तोड़ देता था। ये इनके इनकी सरकार की ये लचर व्यवस्था थी।